नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जीन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे बांसुरी खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं, वेल टून बांसुरियाँ और कम प्राइस में। ये बांसुरी आज मैंने एक्रेलिक फ्लूट बनाई है, ये 3 पीस में बनी हुई बांसुरी है। ये नीचे वाला पार्ट इसका अलग हो जाता है, ये बीच वाला पार्ट इसका अलग हो जाता है, और ये ऊपर का जो ब्लोइंग होल वाला पार्ट है ये भी अलग हो जाता है। यहाँ पर इसके बीच में जॉइंट है और ये डिटैचेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसी बांसुरी मैंने पहले ही बनाई है, ए संक की बनाई थी, अभी ये सी बेस की बनाई थी। ये ऐसे 3 पीसें बनी हुई है। इसके फ़ायदे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या आप इसको किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली राइट एंड कस्टमाइज बांसुरी आप देख सकते हैं। इसका तीसरा होल अगर राइट एंड प्लेट यूँ बजाएंगे तो तीसरा होल थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और छठा होल जो है इस तरफ अंदर की तरफ निकला हुआ है। देखिए आप, ये छठा होल है, ये अंदर की तरफ है, ये आप देखिए इस तरीके से, और ऊपर से तीसरा होल है ऐसे, ये वाला, ये ऐसे, ये वाला होल बाहर की तरफ। इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये शेप। अब इस बांसुरी के फायदे क्या है, कई बार अपने को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे ये देखिए, मैंने इन होल्स का जो एंगल है वो बदल दिया। देखिए ये थोड़ा सा, अगर कई लोगों को दिक्कत होती है बजाने में इस तरीके से, जैसे उंगली यहाँ आती है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये वाला मान लीजिए पोर्शन आपको अंदर झुकाना है तो नीचे वाला एडजस्टेबल है, ये आप इसको झुका सकते हैं। तो ये देखिए बांसुरी का जो अलाइनमेंट है ये इस तरीके से हो गया है, ये देखिए यो। और ब्लोइंग होल भी एडजस्टेबल है तो आप इसको भी इस तरीके से घुमा सकते हैं, जितना मर्जी आप जिस तरीके से आप बजाते हैं। आप जैसे अपनी तरफ अंदर की तरफ झुकाना है तो आप झुका के ऐसे बजा सकते हैं, आपको सीधा रखना है तो आप सीधा रख के बजा सकते हैं। इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपनी तरफ करना पड़ेगा। अब ये देखिए, मैंने इस बांसुरी को का ब्लोइंग होल जो है लेफ्ट की तरफ कर लिया है। अब जो मेरा बजाने का स्टाइल है, ये ब्लोइंग होल को मैंने अपनी तरफ झुका लिया है, राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड में कर लिया है, तो कस्टमाइज होल कर दिए हैं। लेफ्ट राइट जैसे आपको अपनी हिसाब से बनवाना है तो आप लेफ्ट राइट बता सकते हैं, ये फिंगर होल लेफ्ट आप चाहेंगे तो लेफ्ट के हिसाब से, राइट चाहेंगे तो राइट के हिसाब से बन जाएंगे। तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, ये सी बेस की बांसुरी है, आवाज़ इसकी बड़ी प्यारी है, गूंजती हुई आवाज़ है, सुने इसकी आवाज़। Oh.
अगर आपको चाहिए कि इस तरह की बांसुरी सिंगल पीस में बन जाए तो सिंगल पीस में ही मिल जाएगी आपको। और आपको चाहिए अगर कि मुझे सिर्फ यहाँ जॉइंट लगाना है, टू पीस में चाहिए तो टू पीस में मिल जाएगी। और थ्री पीस चाहिए तो ये थ्री पीस में है। आपको मान लीजिए कहीं लेके जाना है तो आप इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने ये खोल दिया पार्ट नीचे वाला और ये मैंने ऊपर का पार्ट खोल दिया। ये आप देख सकते हैं इसकी अब लंबाई कुल मिला के 15 इंची हो गई, 15 इंच। तो इस तरीके से आप इसको कहीं भी 36 इंच की जो बांसुरी है तो लगभग ये 15 इंच से भी लो 14 इंच के आसपास इसका ये मैक्सिमम साइज़ है, 14 इंच की ये फ्रूट बन चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। छोटी सी बांसुरी है, डिटेचेबल है और इसमें बी संख, ए शार्प संख, ए संख, सी बेस, ये बांसुरियाँ इसमें बड़ी जो बांसुरी है ये सारी बन जाएंगी। और ई बेस, डी शार्प बेस, डी बेस, एफ बेस, ये सारी बांसुरियाँ भी इसमें बन सकती हैं। ख़रीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। इस तरह की बांसुरी शायद ही आपको इंडिया में कोई दूसरा फ्लूट मेकर आपको बना कर दे पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक कोई फ्लूट मेकर इस तरह की बांसुरियाँ बना सकते हैं या उन्होंने कहीं बनाई। थैंक यू, नमस्कार। कई लोगों को इस बात में भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मैं ऐसा कहता हूँ कि नहीं बना सकते हैं, बनाए नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली और सही बात ही है जो मैं कहता हूँ। अभी तक मैंने किसी फ्रूट मेकर को बनाते हुए नहीं देखा। कई लोगों को इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा अटपटी बातें लगती है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि अगर मैंने कोई चीज़ पहली बार बनाई है तो मैं उस चीज़ को कहने का हकदार बिल्कुल हूँ कि हाँ मैंने ही बनाई है, दूसरा कोई नहीं बनाता है। थैंक यू, नमस्कार।